आप अपने चेहरे पे महंगी से महंगी क्रीम लगा के थक गए हों और इसका कोई भी रिजल्ट आपको ना मिला हो, तो आज मैं आपके लिए ऐसा पैक लेके आई हूँ जो आपकी स्किन को क्लीन करेगा। बस आप इसे एक बार लगाएं, आप इसका रिजल्ट आपको खुद ही पता चल जाएगा। इससे आपके चेहरे पे डार्क सर्कल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और जो चेहरे पे आपके दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ये पूरी तरह से सट जाएगा। ये आपकी स्किन को टाइट भी बनाएगा और एंटी एजिंग का काम भी करेगा। तो ये पैक आप एक बार लगा के ज़रूर देखें। नमस्कार, वेलकम माई चैनल। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हेल्प लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारी चीज़ें आपके घर में किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक चम्मच बेसन लिया है, 1 से 1.5 चम्मच बेसन ले लेंगे। हमें स्किन को बहुत ज़्यादा क्लीन करता है, बहुत ही अच्छा स्किन में ग्लो लाता है, जो चेहरे पे डस्ट मैल है पूरी तरीके से निकाल के स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर बनाता है। इसके बाद मैंने यहाँ हल्दी ली है थोड़ी सी, आप चाहे तो किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं लेकिन कस्तूरी हल्दी हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है, इससे स्किन फेयर होती है, क्लीन होती है और कस्तूरी हल्दी से हमारी स्किन में पीलापन नहीं आता जो नॉर्मल किचन वाली हल्दी से आ जाता है, इसे ले लेंगे। फिर मैंने आलमंड ऑयल लिया है 10 से 12 बूंद, आप इसकी जगह विटामिन ई का ऑयल भी ले सकते हैं, इसे ले लेंगे और इसे डाल देंगे। हमारी स्किन को टाइट बनाता है, बहुत ज़्यादा स्किन में ग्लो लाता है। फिर मैंने एलोवेरा जेल लिया है 1 चम्मच, ये हमारी स्किन को क्लीन करता है, टाइट बनाता है, बहुत ज़्यादा यंग बनाता है, इसे ले लेंगे। ये मैंने मार्केट वाला लिया है 1 चम्मच, आप चाहे तो प्लांट वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने 6 से 7 बूंद नींबू के रस की डाली है, ये हमारी स्किन को क्लीन करता है, बहुत ही अच्छा स्किन के लिए ब्लीच है। इसे हम डायरेक्ट चेहरे पे लगाते हैं तो ये हमारे चेहरे को नुकसान करता है, लेकिन इसे हम किसी पैक में या किसी चीज़ में मिला के लगाएंगे तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। बीज मैंने अलग कर लिया है। यहाँ आखिरी में मैंने यहाँ लिया है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर का काम करता है, इसे आप रेगुलर अपने चेहरे पे लगाते हैं तो देखेंगे कि आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा, स्किन काफ़ी फेयर हो जाएगी और जो भी आपके चेहरे पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करके एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लें। अब ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो गई है, अब इसे किस तरीके से लगाना है, इसका सही तरीका क्या है, ये अब हम बताएंगे। चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन कर ले, क्लीन करने के बाद इस पैक को मैंने अपने चेहरे पर अप्लाई किया है। इसे अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लें और अपने जो नेक पे भी इसे लगा सकते हैं। कोई भी पैक लगाए तो बिल्कुल ध्यान रखें कि उसे अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं, इससे आपके जो चेहरे की स्किन और जो गले की स्किन है दोनों मैच होगी। नहीं तो क्या रहता है कि कई बार हमारा चेहरा गोरा हो जाता है और इसकी गर्दन काली दिखती है। फिर इसे हम 15 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, आप चाहे तो इसे ज़्यादा देर भी रख सकते हैं लेकिन न्यूनतम आप 10 से 15 मिनट अपने चेहरे पर छोड़ दें ताकि ये पूरी तरीके से जो इसके बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन को मिल जाए और ये पैक सूख जाए। यहाँ आप देखेंगे कि स्किन काफ़ी पैक सूख के तैयार है। अब इसे हमें क्लीन करना है तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्लीन किया है, अब एक हैंकी से मैंने यहाँ चेहरे को क्लीन किया। देखेंगे स्किन काफ़ी क्लीन लग रही है, काफ़ी इससे सॉफ्ट लगेगी, आपकी स्किन में जो दाग धब्बे हैं वो काफ़ी हट जाएंगे, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम कम होगी और आपका चेहरा एकदम चमक उठेगा, आपकी स्किन में काफ़ी ग्लो आ जाएगा और जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसे आप हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया, देखेंगे काफ़ी क्लीन लग रही है स्किन, काफ़ी सॉफ्ट लग रही है और बहुत ही अच्छा ग्लो आया है।